सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे आज मैं आपका पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे बच्चे जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, कुछ बच्चे अपने देश को प्यार नहीं करते हैं, करते नहीं कम करते, लेकिन हम भारतवासी होने के नाते हमें ये फ़र्ज बनता है कि हमें अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो पिछले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था महात्मा गांधी का, जो आपको याद होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि हमारे पुराने भारतीय संस्कृति और सभ्यता और परंपरा पर आधारित था। उसी के जैसा एक सेम टॉपिक आपको मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, जो आज के इस वीडियो में आपके इस लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके भारत की आज़ादी के जस्ट बाद यानी 1947 के बाद भारत में किस तरह से परिवर्तन आया, वो सारी टॉपिक को आज की जानकारी में देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक आपका क्या है, वो अगले पेज पर आप देखें कि आज का आपका टॉपिक क्या है। कल का जो आपका लेक्चर बन था, भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है, उसमें आपको सारा वर्ड मीनिंग आपको बताया गया था। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, उसका साइनोनिम्स और उसका एंटोनिम्स। चलिए मैं कल के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ एक मिनट के लिए, कि कल का जो आपका लिखाया गया लेक्चर बन, जिसमें आपको सारा वर्ड मीनिंग का एंटोनिम्स और साइनोनिम्स बताया गया, तो आई होप आप सभी ने इसे अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। जो बच्चे काफ़ी याद किए होंगे, मेहनत किए होंगे, उनसे मैं पर्सनली मैसेज करके इस क्वेश्चन का कुछ मीनिंग जो है एंटोसाइनो मैं तुरंत पूछ लूँगा। या ऐसा करें कि आज आपको सबसे लास्ट में मैं आपको 5 मिनट के लिए टाइम दूंगा, कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा लाइव, आपको मैसेज करूंगा कुछ क्वेश्चन, जिन बच्चों को जवाब देना होगा वो फास्ट रिप्लाई करेंगे, तो मैं समझ लूँगा कि आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये लास्ट में आज के वीडियो में करूँगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का आपका टॉपिक है भारत इज माई होम का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, इस बात को जरा आप कंटेंट देख लें। चलिए उससे पहले मैं चर्चा कर लें, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहे हैं एक बहुत महान नेता, बहुत महान महापुरुष, हमारे देश के एक देशभक्त, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यू हैव हियर्ड अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिकॉज कि डॉक्टर की उपाधि पाना इतना आसान नहीं है। आज का समय नहीं है कि झूठ मूठ कर डिग्री ले लिए MBBS का और डॉक्टर की उपाधि लगा लिए। ये पहले के महापुरुष हैं, पहले के नेता हैं, हमारे देश के देशभक्त हैं, जो काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस करके, काफ़ी हार्ड मेहनत करके डॉक्टर की उपाधि हासिल की। इस महापुरुष के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ हेडिंग दिया गया भारत इज माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान देंगे, भारत इज माई होम जो है यहाँ पर, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि लेशन बन जो पढ़ा था आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो क्या था जी, स्पीच, ये क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है भारत इज माई होम, ये भी क्या है, एक स्पीच है, यानी भाषण है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसी तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक भाषण प्रस्तुत किए, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बुक में पढ़ाया। यहां देखें, आप यहां पर देख लिए इनका डिटेल्स पहले, जिसे मैं येल्लो कलर से यहां पर ब्रैकेट में डाल दिया हूं, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर मतलब पहले, यानी पूर्व का कर रहा है, पूर्व के ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ और मृत्यु 3 मई 1969 को हुआ। ओके, ये था इनका छोटा सा डिटेल्स, लेकिन आज के इस क्लास में, इस लाइव क्लास में आपको मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं शुरू करता हूँ, और हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, ताकि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका नाम बहुत कम बच्चे सुने होंगे, इनका क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, हमारे भारत से जुड़ा हुआ है, वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि जाकिर हुसैन के बारे में आपको अधिक से अधिक रोचक और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल सके। आज का कंटेंट क्या पढ़ाना है, ये मैं आपको जरा शो कर दूँ। आज का जो आपका है, मुख्य रूप से दो कंटेंट पढ़ाना है। पहला कंटेंट आपका हो गया इंट्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में इंट्रो भी बोल सकते हैं। किसका? तो राइटर का। यानी आज का जो आपका पहला टॉपिक होगा, वो राइटर का क्या होगा, इंट्रोडक्शन। ओके, ये हुआ पहला टॉपिक। टॉपिक नंबर 2 में आ जाइए, यहाँ पर थीम्स,
थीम्स किसका पढ़ाना है जी? तो यहाँ पर जो दिया गया स्पीच है इसका थीम्स पढ़ाना है, यानी मुख्य इसका कहानी का क्या आधार है, क्या बेस है, क्या थीम्स है, इस स्पीच का थीम्स पढ़ाना है। तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में आपको क्लियर करना है, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। दोनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए जस्ट लाइक जीके समझ लीजिए, उस तरह से आपको काफ़ी हेल्प देगा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमारे आज़ादी के बाद के भारत को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की, जो हमारे देश से संबंधित है। तो हमें देश के लिए एक देशभक्त होने के नाते या एक इंडियन होने के नाते हमें इस चैप्टर को काफ़ी ध्यानपूर्वक समझना होगा और पढ़ना भी होगा, बिकॉज की इट शोज आवर पास्ट कल्चर आफ्टर आवर इंडिपेंडेंट। तो यहां से शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। सबसे पहले यहां पर आपका हेडिंग दिख रहा है क्या बच्चों? नंबर 1 हेडिंग। चलिए यहां पर आपको जो पेन का कलर है मैं चेंज कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो दिक्कत से बचने के लिए चलिए आपको यहां क्लियर करता हूं कि चलो मैं यहां पर उठा लेता हूं कोई और कलर। चलिए आज ले लेता हूं फिर से रेड, लाइट रेड। हाँ, आपका यहाँ पर टॉपिक 1, ओके, टॉपिक 1 क्या हो गया? जो हेडिंग दिया गया है राइटर्स इंट्रोडक्शन, यानी लेखक का एक छोटा सा परिचय, एक ऐसा परिचय जिसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वो कौन सी बातें हैं, कौन सा ऐसा थीम्स है जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक अच्छा काम करने की कोशिश की। तो चलिए इंट्रोडक्शन में यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी तुरंत इस लाइव क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो आपको फास्ट रिप्लाई करना होगा। जो बच्चे सबसे फास्ट रिप्लाई करेंगे उन्हें मैं थैंक्स करके सबके सामने उसे प्रमोट करूंगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन सुनने के बाद आप मैसेज करने के लिए, टाइप करने के लिए आप रेडी रहेंगे, क्योंकि लाइव क्लास का एक ही फायदा होता है कि जैसे सर कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बच्चे तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन क्लास के लिए रेडी रहें और अपने आप में ये रेडी रहें कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी तुरंत इस लाइव क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और मैं ये वेट करूंगा कि कौन से बच्चे ने सबसे पहले रिप्लाई किया। जो बच्चे आंसर रिप्लाई करेंगे वो अपने नाम के साथ रिप्लाई करेंगे। सपोज दैट मैंने पूछ दिया कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप फास्ट आंसर देंगे, फास्ट कमेंट करेंगे, और जैसे मान लिया जाए कि आंसर क्या होगा जी, आंसर आपका हो गया पीएम नरेंद्र मोदी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, डॉट करके अपना नाम लिख देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे पहला रिप्लाई किसने किया, तो मैं तुरंत उसको फिर से वापस रिप्लाई करके ये बता दूंगा कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलती है। तो ये होता है लाइव क्लास का एक फायदा। तो चलिए आज मैं आपको भारतीय इतिहास इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जिसका रिप्लाई आपको फास्ट करना होगा। जो बच्चे फास्ट रिप्लाई करेंगे वो भी सही, कुछ देर भी हुआ तो चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि फास्ट रिप्लाई करने का, तुरंत क्वेश्चन सुने, तुरंत आंसर को टाइप करके मेरे पास भेजे, ओके। चलिए यहाँ शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन बीच में जहाँ बोलूंगा मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए। यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 बॉर्न इन हैदराबाद, जो कि आपका पड़ता है साउथ इंडियन में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ और जिनकी मृत्यु 1969 को हैदराबाद में ही हुई, ओके। तो यहां पर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान देंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस पॉइंट पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा जिसका आपको रिप्लाई देना होगा, और कुछ क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए होगा जो पहले से आप पढ़ चुके होंगे, आपका इतिहास पढ़ चुके हैं, आप 9th-10th में काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन आपका होगा और जो इस चैप्टर से रिलेटेड भी होगा। हाँ, तो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 को हैदराबाद में हुआ, ध्यान देंगे, वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ध्यान देंगे, फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, यानी वैसे लोग, वैसे नेता जो भारत को आज़ाद कराने के लिए युद्ध में लड़े। तो कह रहा कि बाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज बेल एज साथ साथ एनिमेंट एजुकेशनिस्ट। कल मैंने आपको लिखा था बर्ड मीनिंग एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद, अर्थात शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाला या बहुत ज़्यादा विद्वान लोग। तो कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 को हैदराबाद में हुआ, जो हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध
स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। आगे आइए, डॉक्टर हुसैन यानी जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि 1967 में भारत के एक सर्वोच्च पोस्ट पर, एक भारत के सबसे बड़े नागरिक रूप में पोस्ट ग्रहण किया, जिसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रपति का पोस्ट। तो यहाँ देखें 1969 में इनकी मृत्यु हुई और 1967 में ये राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित किए गए। एज यू नो अबाउट सिविक्स, आप सिविक्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी राष्ट्रपति का शासनकाल कितना सा होता जी, 5 वर्षों का, ओके, 5 वर्षों का होता शासनकाल। ये 1967 में राष्ट्रपति पद पर सम्मानित किए गए और 1969 में यानी मात्र 2 साल के अंदर ही वो डेथ कर गए, यानी इनका कार्यकाल पूरा नहीं रह पाया। तो जो कार्यकाल 5 साल का था वो कितना रह गया, लगभग 2 साल के आसपास। फिर भी ये 2 सालों में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमारे भारतीय इतिहास के लिए आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे हमारे भारत आज बुलंदी पर बढ़ता जा रहा है। वो कौन सा योगदान है वो मैं थीम से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर आता है आपका काउंटडाउन शुरू। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप तुरंत रिप्लाई करेंगे, ओके। हर कोई जानता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। यू लिसन केयरफुल्ली माई क्वेश्चन बिकॉज यू टेल माई आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ध्यान से मेरे क्वेश्चन सुने और फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हर बच्चों को ये पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज यू नेम बहुत फेमस नाम है, आप सुन चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका हमारे देश में एक बहुत महान योगदान रहा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, क्वेश्चन रहता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप आंसर क्या लिखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट दिस इज नॉट माई क्वेश्चन। आपको ऐसा लगा होगा सर ये पूछेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये हर कोई जानता है, आप क्या है, एक 4-5 क्लास का बच्चा भी जानता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है, जो सुने ध्यान से। ये रहा आपका क्वेश्चन, आप फास्ट रिप्लाई करेंगे, हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई रिपीट माई क्वेश्चन, हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी भारत के, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम बताएं। आई बेट एंड बेट फॉर योर रिस्पॉन्स, जस्ट अपना फास्ट आंसर दें। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जो बच्चे फास्ट रिप्लाई करेंगे वो अपना नाम के साथ रिप्लाई करें, ताकि मैं उससे बता दूं कि किसने क्या रिप्लाई किया। चलिए ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और समय चाहिए। चलिए मैं 5 तक काउंट करता हूं, जिनको आंसर देना होगा वो देंगे, अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा फिर। 1, 2, 3, 4, 5, स्टॉप। चलिए मैं बता दूं कि सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके बहुत जाने पहचाने नाम, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनके रूप में आप मनाते हैं टीचर्स डे, याद आया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि आप हर वर्ष जो 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर को जब मनाते हैं टीचर्स डे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही देन है, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के याद में हम लोग ये मनाते हैं क्या, टीचर्स डे। तो हमारे स्वतंत्र भारत के सेकंड राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा इसी तरह से। यहां देखें, कह रहा है कि अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ध्यान दे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे, यानी गवर्नर ऑफ बिहार, यानी पहले वो बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद जब इनका इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति पद पर चुने गए, तो 1967 में वो सम्मानित किए गए राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब पैटर्न को आप याद रखेंगे। आगे देखें, फिक्र है कि भारत इज माई होम, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे जो कि आपका हेडिंग है, मैं इसी चैप्टर को पढ़ा रहा हूं कि भारत इज माई होम
इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, देख दिया ना स्पीच, ये क्या है जी, भारत इज माई होम कोई कहानी नहीं है, कोई जोक नहीं है, बल्कि एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है. ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट. आप टीवी पे देखते होंगे, समाचार में सुनते होंगे कि जब कोई नेता कोई बड़ा पोस्ट पर बैठने वाला होता है, बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला होता है, तो उस कुर्सी पर बैठने से पहले उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है. उसी पॉइंट को यहाँ पर दिया गया है कि भारत इज माई होम एक छोटा सा स्पीच है, एक छोटा सा स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था. कब? जब वो राष्ट्रपति पद, जो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है, उसे ग्रहण करने वाले थे तब, यानी 1967 में जब वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले थे, तब जाकर के उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया, हमारे देश को संबोधित किया, जिसे बोलते हैं भारत इज माई होम के नाम से. आगे आ जाए, करा इन हिज फर्स्ट स्पीच, ये उनके लाइफ का पहला स्पीच था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन. डॉक्टर जाकिर हुसैन का देश के राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद, उनका यह पहला भाषण था जिसमें करा प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर. इस भाषण में उन्होंने सबसे प्रथम ये बात बोला कि इस पद पर बैठने के साथ मैं जो भी काम करूंगा उसकी मैं शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जो मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ क्या करा, देखें ध्यान से, टोटलिटी, जिसको मैं कल लिखाया था बर्ड मीनिंग में पूर्णता, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी पूरी तरह से काम करूंगा तो पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए ही काम करूंगा. यानी राष्ट्रपति पद पर बैठते ही सबसे पहले उसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जीऊंगा, जब तक राष्ट्रपति शासन पर काम करूंगा, तो राष्ट्रपति पद पर काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत का कल्चर और भारत का संविधान को ही अपना सबसे बड़ा काम मानूंगा. तो यह था बच्चों आपका आज का टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर. अब सवाल यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं पहले पूछ लेता हूं तब जाके आगे बढ़ूंगा. आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसका आंसर क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन. अब मैं ये पूछता हूं कि हु वाज द थर्ड, तीसरा, ध्यान से क्वेश्चन सुने और फास्ट रिप्लाई करें, हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिपेंडेंट इंडिया. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, कमेंट फास्ट, रिप्लाई फास्ट. भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, स्टॉप. कुछ का कमेंट आया, मैं बताता हूं कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन. ओके, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, वो थे हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति. अब मैं फाइनल बताता हूं कि अब तक के स्टार्टिंग का तीन और तीनों में डॉक्टर की उपाधि लगा हुआ है, तो यही से आप अनुमान लगाइए कि वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे, कितने ज़्यादा एजुकेशनिस्ट है. नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन. ऑल थ्री बेयर डॉक्टर. ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में डॉक्टर लग गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में डॉक्टर लग गया, और डॉक्टर जाकिर हुसैन में डॉक्टर लग गया. ये तीन स्टार्टिंग के तीन हमारे हीरे थे, हमारा कदम एक मोमेंटस थे, जो अब हम भारत में बस याद के रूप में इन्हें पढ़ते हैं. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन. तो आज के इंट्रोडक्शन में आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, जिसे मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, और 2 क्वेश्चन आपसे पूछा, ये भी आपने क्लियर कर लिया कि प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और थर्ड कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इंट्रोडक्शन क्लास फिनिश. अब यहाँ से बढ़ते हैं आज का जो थीम्स है, जो मेन हमारा स्पीच है, इस स्पीच में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा संदेश डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पास पहुँचाना चाहते हैं, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर, जहाँ से शुरू होता है आपका ये कहानी और ये स्पीच. चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्पीच. इस स्पीच में
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन कौन सी बातें हम भारतवासियों को संदेश के रूप में दिए हैं उसको पढ़ना है। उससे पहले आप जरा इनको फ़ोटो देख लें। ये जो फ़ोटो है ये महाशय कौन है? ये महाशय हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं जो भारत के लिए बहुत कुछ दे के गए, बहुत कुछ करके गए। ओके, इन्हीं के बारे में यहाँ पढ़ना है। ध्यान देंगे, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ पहला पैराग्राफ कर आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरब्लेम्ड वाई द मैं पहले सुनिए, मैं पहले पूरे लाइन को पढ़ देता हूँ फिर आपको हिंदी करके समझा दूंगा। कर वाई द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी वाई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। अपने भाषण के शुरुआत में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं सबसे पहले यह घोषणा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े विशाल देश भारत के लोगों ने जो मुझे देश के सबसे बड़े पोस्ट सर्वोच्च पोस्ट पर सम्मानित किया, मनोनीत किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी का क्या कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सिविक्स में पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में कि भारत का सबसे बड़ा पोस्ट जो है, जो भारत का सबसे प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, वो क्या कहलाता है आपका, राष्ट्रपति ही कहलाता है। तो उसी राष्ट्रपति पद पर बैठने के साथ इन्होंने क्या बोला कि मैं सबसे पहले भारतवर्ष के भारतवासियों को ये थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्हें यह सम्मान देना चाहता हूँ कि आपने इलेक्शन में जिता करके भारत के सबसे बड़े पोस्ट राष्ट्रपति पोस्ट पर मुझे सम्मानित किया। आगे अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है पैराग्राफ दूसरा जिसमें मैं चर्चा कर रहा था सेकंड राष्ट्रपति के बारे में जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नाम सो कर रहा है जिसका होता है पूरा नाम क्या था जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके लिए हम मनाते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी बाउंड एनीवेयर। वो अपने भाषण में हमारे देशवासियों को सम्मानित करने के बाद दूसरे लाइन में ये कहते हैं कि मैं अपने पूर्व यानी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि एक वो वैसे महान व्यक्ति थे जिनके राष्ट्रपतित्व में, जिनके राष्ट्रपति शासन काल में क्या हुआ कि राष्ट्रपति काल में वो उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा धन माना। इट मीन्स कि वी कैन से दैट नॉलेज एंड एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ, यानी शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा धन है। ये बात किसने कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उसी बात की चर्चा डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आदमी जब नए पोस्ट पर आता है तो अपने पुराने ऑफिसर्स या पुराने पोस्ट पर बैठे हुए इंसान के बारे में क्या क्या काम किए, कैसे किए, उस बात की जानकारी रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातों को वो अपने भाषण में रखते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा ज्ञान होता है और सबसे बड़ा धन होता है जिसकी सहायता से हम देश का विकास कर सकते हैं। आगे आ जाए, कह रहा है ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब होता है आजीवन यानी जीवन भर, डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट्स एंड द वननेस, यहां ध्यान दें थाउट्स एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। वो कहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति पद पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मानित रहे तब तक उनका बस एक ही सपना था कि मैं भारतवासियों को एक बेहतर नॉलेज दूं, एक बेहतर शिक्षा दूं, ताकि वो शिक्षा पा करके वो हर व्यक्ति अपना देशभक्ति की भावना के साथ साथ क्या करे, एकता हो करके यानी यूनिटी वननेस, देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया गया आपका क्या है जी, वननेस जिसको बोलते हैं यूनिटी, उसी वननेस का ये साइनोनिम हो गया यूनिटी, मतलब एकता के रूप में बरकरार रहे। यानी यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहना चाहते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति, तो उसने शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर दिया, क्योंकि आज़ादी के पहले भारत में शिक्षा की बहुत कमी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि देयर वाज द ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ एजुकेशन इन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यही वजह है कि हमारा इंडिया का जो विकास है वो उस समय बहुत धीमा था, क्योंकि बहुत कम लोग शिक्षित थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि शिक्षा होने से, शिक्षित होने से लोगों में एकता
और देश के प्रति जो प्रेम होता है, देशभक्ति होता है, वो भावना जागेगी। यही बात को अपने भाषण में डॉक्टर हुसैन ने बताने की कोशिश की है। आगे देखें, कह रहा है कि ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब तक राष्ट्रपति पद पर रहे तब तक वो कभी भी अपना हिम्मत साहस नहीं खोए। अब जैसे हिम्मत साहस नहीं खोने की बात करता हूं तो आपको याद आता है आपका पोएट्री का लेसन टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे मैं बता रहा क्या कि कभी व्यक्ति को अपना हिम्मत नहीं खोना चाहिए, जिसके लेखक कौन थे, वाल्ट व्हिटमैन। वही बात यहां पर बोल रहे हैं कि जब तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने पोस्ट पर रहे तब तक उन्होंने क्या किया, कभी अपना हिम्मत नहीं खोया, अपना साहस नहीं खोया, कभी डरे नहीं, बल्कि डट कर देश की सेवा किए और देश के एक चैंपियन होता ना, एक बहुत बड़ा विजेता, एक विजेता बनने की कोशिश किए, ताकि हर व्यक्तियों का अपना इज्जत सम्मान मान जो कि आपको दिया गया है डिग्निटी, आपको लिखाया था कल बड़े मीनिंग में डिग्निटी, जिसका रॉयल्टी भी होता है जी, यहाँ डिग्निटी, ताकि हर व्यक्तियों का जो इज्जत है वो बरकरार रहे, हर व्यक्तियों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, ताकि हर भारतवासी एक समान इक्विवेलेंट रह करके वो जी सके। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पैराग्राफ टू मैंने आपको पढ़ाया, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में चर्चा की है कि वो किस तरह से भारत के विकास के लिए अपना योगदान किया। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम पैराग्राफ थर्ड की ओर। यहाँ से अब जो भाषण है वो मुख्य रूप से डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। तो यहाँ देखें, तीसरा पैराग्राफ में कहा जाता है कि आई कैन ओनली अश्योर यू दैट, यानी मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि, ओके, यानी जाकिर हुसैन अपने भाषण में कहते हैं कि मैं आप सभी जनता को, आप सभी भारतवासी को यह विश्वास दिलाता हूं कि, आगे देखें, आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब होता है जी समर्पण, जिसको मैं आपको लिखा चुका हूं। करा, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं, आश्वासन दिलाता हूं कि मैं जैसे ही इस ऑफिस में राष्ट्रपति कार्यालय में एंट्री करूंगा, प्रवेश करूंगा, उसके बाद सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि ईमानदारी पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, पूरी समर्पण के साथ देश की सेवा करना। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देंगे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के बाद मैं पूरी लगन, पूरी जोश और पूरे मेहनत से जो भी काम करूंगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के अनुसार ही मैं काम करूंगा। तो ये होता है एक अच्छे व्यक्ति का चरित्र, एक अच्छे व्यक्ति का महानता, कि कैसे वो देश के प्रति अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन है, क्योंकि आज हमारा मुल्क, हमारा देश भारत आज़ाद हो चुका है, यहाँ के हर जनता आज़ाद हो चुके हैं। तो मैं आज़ादी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है वो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है, और हर व्यक्ति संविधान के अनुसार ही काम करना शुरू करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स, कह रहा है कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राष्ट्रपति आप सभी के सामने खुल करके यह कहना चाहता है कि मैं जो काम करूंगा वो जनता के लिए करूंगा और जनता के लिए ही करूंगा। जैसे इस पॉइंट के मैं आपको बोला होगा तो आपको भारत का संविधान याद आया होगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी देश बनाने के लिए, याद आया होगा ना कि भारत का प्रस्तावना क्या होता है। तो भारत का प्रस्तावना भारत के संविधान में ही लिखा गया है। वही बात यहाँ कहते हैं कि ऐसा पहली बार होगा भारतीय इतिहास में कि कोई राष्ट्रपति फेस टू फेस होकर के, सम्मुख होकर के जनता को इस तरह संबोधित करते हैं। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, कह रहा यह भारत एक जवान भारत है। आप पढ़े होंगे एक पत्रिका निकाला गया था यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, जो आपको पढ़ाया मैंने पिछले चैप्टर में महात्मा गांधी वाले में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। तो उसी तरह से कह रहा है कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, हमारा भारत एक बहुत ही प्राचीन देश है। आवर इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री बट ऑल पीपुल, ऑल सिटीजन्स आर न्यू।
तो वो कहते हैं कि हमारा भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो नवयुवक हैं, नए हैं, जवान हैं। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रो कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, कह रहा है बहुत लंबे समय के बाद काफ़ी युद्ध करने के बाद, काफ़ी संघर्ष झेलने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो इस आज़ादी को हम व्यर्थ जाने नहीं दें, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कल्चर यानी इथनिक मतलब कल्चर यानी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है, और उसी संस्कृति के साथ हम भारत को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस, उन्होंने कहा कि मैं बिना थके, बिना समय का परवाह किए मैं आप लोगों का सपोर्ट करता रहूँगा, और जो भी करूँगा वो भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ही काम करूँगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज इन दियर ओन पेक्यूलियर वे, वो कहते हैं कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के संस्कृति को, सभ्यता को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए मेरा रास्ता अलग होगा, मेरा काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो तरीका होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए ही होगा। आई प्लेज मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, वो कहते हैं मतलब वो जनता से प्रतिज्ञा करते हैं अपने शपथ में, शपथ समारोह में, कि मैं जो भी काम करूँगा वो सर्विस करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे वैल्यू, देश के वैल्यू को बढ़ाने के लिए ही करूँगा। फिर फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो कहते हैं कि आज भारत में जो विषम परिस्थिति बनी हुई है, जो लोगों का खराब दशा है, खराब स्थिति है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस खराब स्थिति को एक दिन दूर करूँगा, क्योंकि मैं जिस पोस्ट पर बैठा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई और जनता की भलाई के लिए ही किया जाएगा। द वैल्यू रिमेंस इटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, जब मैं देश का विकास कर लूँगा तो देश के विकास के साथ साथ जनता का विकास करूँगा, तब जा करके आपको एहसास होगा कि नव भारत यानी यंग इंडिया में नए लोगों का क्या स्वागत है, तब आपको एहसास होगा कि पुराने भारत में और नए भारत में क्या अंतर आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन भी चाहते हैं कि हमारे भारत देश का विकास हो, भारत के नागरिकों का विकास हो, क्योंकि देश के नागरिक का अगर विकास होता है तो भारत का विकास होता है, या कह सकते हैं कि भारत का विकास होता है तो हमारे नागरिकों का विकास होता है। इट मीन्स कि बोथ आर कॉमनली इंडिया एंड सिटीजनशिप बोथ आर सेम एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है यानी हमारा पास्ट हिस्ट्री है वो मरा नहीं है, स्टैटिक है मतलब अस्थाई है, अभी भी जीवित है, अस्थाई है। यानी इस पॉइंट से वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय संविधान है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, वो उसका जो गति है उसका धीमा हो गया है, जो आगे बढ़ने का दर है वो कम गया है, उसी गति को हमको और तेज करना है ताकि भारत एक विकास की ओर बढ़ सके। इट इज़ अलाइव, क्या बोले कि वो अभी जीवित है एंड डायनेमिक, शक्तिशाली भी है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर, वो कहते हैं कि अगर हम पुराने इतिहास को, अपने भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को फिर से जीवित करते हैं तो हमारे आने वाला जो फ्यूचर होगा, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होंगे उसको हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। ये था उनका एक छोटा सा भाषण, जो कि आज के टॉपिक के लिए इतना ही। हालांकि ये टॉपिक अभी और लंबा चलेगा, जिसको मैं अगले लेक्चर में दूंगा, क्योंकि भाषण का अभी स्टार्टिंग चला है, सिर्फ तीन ही पैराग्राफ हुआ है, अभी बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, कहीं कहीं आपको इस पूरे भाषण से एक चीज़ तो निष्कर्ष निकल गया होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद उसने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातों को, उनके पुराने कामों को चर्चा किया, और उसी काम के साथ वो भारत के लोगों को इस तरह संबोधित किए, इस तरह से उसको आश्वासन दिए, विश्वास दिलाए कि मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ भारत के संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की जनता और भारत के पुराने इतिहास को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। तो सोचिए कैसा इसलिए क्योंकि बोले होंगे, ऐसा इसलिए बोले होंगे कि आज हमारा भारत का नाम
जब विश्व के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में यानी सोने के अक्षरों में लिखा जाता है, हमारा देश का नाम भी हर देश के वासी जानते हैं, विदेशों में ही नाम जानता है, तो क्यों? बिकॉज की आवर पास्ट इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। हमारा पास्ट, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रांग रह चुका है और उसी खोए हुए कल्चर को जाकिर हुसैन फिर से वापस लाना चाहते हैं और लोगों को यह सलाह देते हैं कि इस कल्चर को, इस सिविलाइजेशन को और पुराने इतिहास को भारत में फिर से दोहराने के लिए, जीवित करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक नंबर 2। हालांकि इस टॉपिक में अभी और भी चर्चा करना है जो कि आपको लेक्चर नंबर 3 में आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि ये कहानी, ये भारत का विकास, भारत का इतिहास यही खत्म नहीं होती है। आप जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत लंबा है, उस लंबा में से अगर छोटा सा पॉइंट हम निकालते हैं तो इस पॉइंट के अनुसार आपको चैप्टर बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों ये था आज का आपका भारत जमाई होम का एक छोटा सा स्पीच जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, जिसे मैंने अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो आई होप कि आपको भी इस स्पीच से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके दिल में भी जोश जज्बात देश के प्रति जागा होगा कि मुझे भी देश के कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसे आप लोग मुकर नहीं सकते हैं, ना मैं मुकर सकता हूँ, कि लिटरेचर में आप ये मत समझें कि आप क्लास 4-5 के पढ़ रहे हैं कि आपको राजा का, रानी का, महारानी का, भूत का, प्रेत का कहानी मिलेगा। ये गलती मत करें, क्योंकि आप सीनियर क्लास में आ चुके हों, 11th में हो, कुछ बच्चे 12th में हैं, तो 11th 12th के बच्चे में क्या होता है कि वो भावना जो पहले कहानी की था, राजा का, रानी का, एक इमेजिनेशनल कहानी होना चाहिए कि कोई परियोग दुनिया हो, वो कहानी अब नहीं मिलता है। तो आपको इसी तरह का कहानी जो हमारे इतिहास का जुड़ा हो। तो ऐसा नहीं कि हर कहानी ऐसा ही है, आपके इस बुक में जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ रेनबो पार्ट 2, इसे बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी है जो लव थीम्स, हमारे प्यार मोहब्बत, इश्क जो कहते हैं ना, इश्क प्यार इश्क मोहब्बत, उस पर आधारित है। कुछ ऐसे कहानी है जो हमारे देशभक्ति पर आधारित है, जैसे कि ये आपका ये हो गया भारतीय माई होम। कुछ ऐसे कहानी और भी आगे पढ़ाऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कुछ कुछ शिक्षा का है, जैसे एक द आर्टिस्ट एक ऐसा कहानी है जो आप बच्चों पर आधारित है, वो कहानी पढ़ने आपको मज़ा आएगा। तो आपको हर तरह की कहानी आपके इस बुक में पढ़ना है, तो हर तरह की कहानी को आप इंजॉय करें। ऐसा मत सोचो कि भाई स्पीच है, भाषा है, तो मैं क्या देखूं, क्या सुनूं। तो स्पीच भी आपके लिए मायने रखता है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगे, क्योंकि आगे आने वाला बहुत सा चैप्टर पोएट का, देशभक्ति का है, कुछ ऐसा चैप्टर स्टोरी में है जो कि काफ़ी रोमांटिक, प्यार की कहानी, कुछ लड़ाई की कहानी, तो तरह तरह की कहानियाँ जो हमारे देश में होता है, हमारे साथ घटता है, वो सारे घटनाओं को अलग अलग कहानी ग्रुप में दिया गया है। एक कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होना, जो मुख्य रूप से आपको बायोलॉजिकल टर्म पर आधारित है। तो आपको बहुत सारे कहानी मिलेंगे, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हर वीडियो को इसी तरह से देखें, समझें और उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो बच्चों ये था आज का आपका स्पीच का एक छोटा सा भाग, जिसे आपने काफ़ी बेहतर तरीके से सुना देखा। तो इस वीडियो को इसी तरह से आप देखते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये ध्यान दें कि वीडियो में जो पढ़ाया गया उस पॉइंट को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर, इसी लेक्चर में एक नए टॉपिक, नए कुछ खूबियाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन की, कुछ और जानकारी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑफ ऑल एंड गुड बाय।